हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डांसर सनातन की बहन सावित्री दीदी का विवाह फाइनली रूप से हो चुकी है। अब वह ट्रेन से अपने हस्बैंड के साथ ससुराल जा रही है। दोस्तों, मैं आज सावित्री दीदी के बारे में कुछ रियल बातें बताना चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों, सावित्री दीदी के विवाह को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज गति से वायरल हो रही है और यह सोशल मीडिया तथा यूट्यूबर इनके फैन बन गए हैं और इसके विवाह को लेकर सोशल मीडिया तथा यूट्यूबर के दिलों में सुर्खियां बन गई है। सावित्री दीदी का विवाह होना किसी खास रईस से कम नहीं है दोस्तों। इसके विदाई को लेकर सनातन भाई काफ़ी निराश होंगे, क्योंकि हमेशा भाई बहन एक साथ होकर कई सारे वीडियो को शूट करते थे और आप लोगों को काफ़ी इंटरटेनमेंट दिलाते थे। दोनों भाई बहन में गहरा प्यार था और गहरा प्यार को देखने के बाद पता चलता है कि प्रत्येक भाई को सनातन जैसा होना चाहिए और बहन भी सावित्री दीदी जैसा होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को एक बात से रूबरू कराना चाहता हूँ कि कई सारे लोगों को कहना है कि सावित्री दीदी के हस्बैंड की उम्र को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज गति से वायरल हो रही है कि सावित्री दीदी का हस्बैंड का उम्र काफ़ी है और इस विवाह को लेकर सावित्री दीदी खुश नहीं है। ये सब सारा अनसुनी कहानी कहा जा रहा है, यहाँ पर संकट का विषय बन गया दोस्तों। तो गाइज, अपने सपनों का महल ससुराल सावित्री दीदी पहुँच गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो गाइज, सावित्री दीदी के ससुराल को जानने के लिए सभी फैन को कान तरस रहे हैं और मैं जल्द ही उसकी वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय लीजिए और देखिए सावित्री दीदी के ससुराल में किस प्रकार से रस्म किया जा रहा है। प्रत्येक समाज में अपने अपने रस्म होती है। तो दोस्तों, आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा कि सावित्री दीदी इस विवाह से खुश है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा, सावित्री दीदी इस विवाह से काफ़ी खुश है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ऐसे भी मॉडल ब्लॉग्स।